जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। तुम लोगों को सीरियल क्रम में बहुत लोगों का कमेंट ये होता है कि सर आप सीरियल ऑर्डर में बनाएं। ध्यान रखना, झारखंड का पूरा जो भी मटेरियल बनाए हैं ये फुल झारखंड ज्योग्राफी है, सीरियल ऑर्डर में है। पूरा झारखंड एकदम कर्मशः है, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे करके है। लेक्चर वन, लेक्चर टू, लेक्चर थ्री, हमको लगता है संभवतः ये 27वां 28वां लेक्चर होगा। एकदम क्रमबद्ध है, कृपया आप उसी अंदाज में देख लें, कहीं नहीं छूटेगा, कंसेप्ट भी लाजवाब रहेगा। हम लोग इसके पहले वाला वीडियो में देख चुके थे सोना तोना खानवान के बारे में, अब जरा कुछ देख लो। उसके बाद तुरंत हम लोग आएंगे कोयला उद्योग के बारे में। देखो एस्बेस्टस जो है ये तुम जानते हो कि ये रेशा वाला खनिज है। यही कारण है कि हम लोग जो छज्जा पर जो बनाते हैं एस्बेस्टस डालते हैं ना, कर्व किया हुआ टाइप पर होता है। ये धारवाड़ क्रम के चट्टान में पाया जाता है। और तुम लोगों को हम पहले लेक्चर से ही एक ही बात कितनी बार बोलें लेकिन बोलना पड़ता है यूट्यूब में, इस सरायकेला खरसावां सिंहभूम धारवाड़ क्रम के चट्टान में होगा। और धारवाड़ क्रम का चट्टान जाना ही जाता है किसके लिए, तो खनिज के लिए। डोलोमाइट ले लो, ये कहाँ है, तो चाईबासा में है। ये सबको आप लोग बैठ के हाथ ढक ढक के रटे नहीं, केवल और केवल रीडिंग डाल करके छोड़ दें, बार बार रीडिंग डालें। करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल्पर परत निशान। ब्रेन का दो चैम्बर होता है, एक टेम्प्रोरी लोब एक परमानेंट लोब। अगर कोई चीज़ परमानेंट लोब में तभी जाता है जब लगातार उस पर अभ्यास होता है। तुम अभ्यास करने का आदर डालो, रीडिंग डाल के जो चीज़ तुमको रटना हो जीके टाइप का इस टाइप का उसको रीडिंग डाल के छोड़ दो, एक मुफ्त मत रीडिंग डालो। सप्ताह में 4 दिन पढ़ो, 2 दिन रिवीजन करो और 1 दिन रेस्ट लो, क्योंकि तुमको मैराथन दौड़ना है। पढ़ने का काम कम से कम हम कभी न कहेंगे कि 12-14 घंटा पढ़ो, 4 से 6 घंटा रेगुलर सेल्फ स्टडी करो। तूफान मचा दोगे, इतना ही पढ़ करके क्रमबद्ध रूटीन से लोग आईएएस भी बनता है। चीनी मिट्टी ले लो, चीनी मिट्टी जानते हो जिससे बर्तन वगैरह बनता है। देश के कुल भंडार का 6% 4% यहाँ पर है, या फेलास्फर नामक खनिज के विघटन से बनता है। पंच लाइन इसका यही है, सिंहभूम, रांची, धनबाद, हजारीबाग, पलामू, इस सब में फेलास्फर पाया जाता है। तो चीनी मिट्टी के लिए क्या चाहिए, फेलास्फर नामक खनिज। और उसी खनिज को रिफाइन करके संशोधन करके लोग बनाता है क्या, विभिन्न टाइप का बर्तन। अब ले लो चूना पत्थर। चूना पत्थर है क्या यार, एक चीज़ बतलाओ, अंडा का कवर ले लो, फिर तुम्हारा जितना मोलास्का समूह में घोंघा सीतू सीपी सब जितना बोलते हो उसका बाह्य आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। वही अगर पृथ्वी के सतह के अंदर चला जाता है तो तुम जानते हो ऊपर के दाब और अंदर के ताप, ऊपर के दाब और अंदर के ताप से, ऊपर के दाब और अंदर के ताप से वो रूपांतरित होता है कैल्शियम कार्बोनेट, वो कन्वर्ट होता हो जाता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट में, दो दैट इज चूना पत्थर। अब झारखंड में कहाँ कहाँ पर है, तो हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू, बोकारो, धनबाद, ये सब डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, वैसे जो बहुत डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा न्यारा उसको बहुत ज़्यादा गहराई के साथ नहीं रटना, रीडिंग डाल के छोड़ देना। फायर क्ले ये झरिया के कोयला खान के भंडार में साथ साथ पाया जाता है। कौन, फायर क्ले। एक आता है ग्रेनाइट, ये रांची, लोहरदगा, पलामू, कोडरमा, गोड्डा, ये सब डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। हाँ, धात्विक खनिज यूरेनियम और थोरियम बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये दिमाग में रखना। धात्विक खनिज, ये धात्विक खनिज कह रहे हैं, ये आ जाता है आण्विक खनिज। आण्विक खनिज में कौन कौन आ गया, यूरेनियम और थोरियम। थोरियम ध्यान रखना, भारत में जो ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट भी है, पूछता भी है, केरल के पास एक बालू है, बालू का नाम है मोनाजाइट, और उसी मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है थोरियम। मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है थोरियम, मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है थोरियम। ध्यान रखना, थोरियम किससे हो गया, तो मोनाजाइट बालू से, ये भारत स्तर पर हो गया। और यूरेनियम और थोरियम ये जान रहे हो परमाणु ऊर्जा बनाने के स्रोत के रूप में काम में आता है। तो
यूरेनियम को लो, यह भी एक आण्विक खनिज है। जादू गोड्डा, ढाल भूम, बागजात, केरुआ, डुमरी, इस सब क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन जादू गोड्डा बहुत चर्चित है। यही कारण है कि झारखंड के जादू गोड्डा में रेडिएशन का खतरा रहता है और बच्चों में टाइप टाइप की बीमारी का मूल कारण है यूरेनियम का पाया जाना, जो पानी में घुल जाने के कारण बहुत टाइप की बीमारियां होती है। पूर्वी सिंहभूम के जादू गोड्डा में, मतलब पूर्वी सिंहभूम में है जादू गोड्डा, जहाँ से प्राप्त होता है क्या यूरेनियम, और इसको निकालने के लिए जो कंपनी है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1967 से लगातार ये यूरेनियम का प्रोडक्शन कर रहा है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन लगभग 100%, ध्यान रखना, झारखंड से। तो दो गो एक बतलाए थे क्रोमाइट और दूसरा बोल रहे हैं यूरेनियम, ये दो ऐसे खनिज हैं जो अमूमन भारत में इकलौता स्टेट झारखंड है जो इसको सप्लाई देता है। जादूगोड्डा के तुरामडी में भी यूरेनियम का खनन किया जाता है। तो यार ये पूरा पूर्वी सिंहभूम है ही खनिज संपदा के लिए। अब ले लो थोरियम, ये भी एक आण्विक खनिज है, रांची और धनबाद में। धनबाद में तो हम भी हैं, लेकिन कहाँ से और कैसे थोरियम प्राप्त करता है ये आज तक हम नहीं देखे हैं, क्योंकि कोयला इतना है कि थोरियम देखने का टाइम नहीं मिला। तो इस प्रकार एक बार फिर देख लो, थोरियम में हो गया रांची धनबाद, यूरेनियम में आ गया जादूगोड्डा, भूलना मना है। यूरेनियम में कौन हो गया? जादूगोड्डा। चूना पत्थर को रीडिंग डाल के छोड़ देना है। फायर क्ले, इसे मिट्टी में जो होता है ना, उसमें तापरोधी मिट्टी ईंटा उंटा बनाने काम में आता है, ये झरिया में है। ग्रेफाइट, ये तुमको समझा दिए हैं। फिर एस्बेस्टस, रेशेदार खनिज कौन सा है? एस्बेस्टस है, जो छतवा छाड़ने में काम देता है। फिर डोलोमाइट, चाहे भाषा में है चीनी मिट्टी, देश के कुल भंडार का 4%। फेलास्फर नामक खनिज, तो चीनी मिट्टी के लिए पंच लाइन क्या हो गया? फेलास्फर नामक खनिज। चीनी मिट्टी के लिए मूल रूप से क्या आ गया? फेलास्फर नामक खनिज। तो करीब करीब एक एक खनिज जो एक बार तुम लोग कमेंट भी किया था, वो स्पष्ट हो रहा है कि कहाँ से और कैसे प्राप्त किया जाता है डिस्ट्रिक्ट वाइज। लाइक जरूर कर दोगे, सब्सक्राइब निश्चित कर दें, इसे मेरा अनुरोध समझें। जय हिंद, जय भारत।